हेलो दोस्तों, ये तटवर्ती राज्य यानी भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो भारत की तटीय सीमा से लगते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कितने राज्य हैं? तो पहली बात तो कितने राज्य की अगर हम बात करते हैं तो भारत के 9 राज्य हैं जो तटवर्ती राज्य हैं। अब वो कौन कौन से हैं तो मैंने वहाँ यहाँ तो बताया ही, बट पहले हम यहाँ देख लेते हैं। देखो, तटीय राज्य का मतलब क्या होता है? जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, यानी जिनकी तट रेखा जो है समुद्र से लगती है, उनको तटीय राज्य बोलते हैं। तो जिनमें हमने आपको दिखाया है, पहला क्या है? गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है ना, पश्चिम बंगाल, सॉरी। तो ये 9 राज्य हैं जो क्या है, भारत के तटीय राज्य, यानी जिनकी जिनकी रेखा जो है समुद्र से, जिनकी जो सीमा है वो समुद्र से लगती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो जिनमें सबसे ज्यादा जो है तटीय रेखा सबसे लंबी किसकी है? तो गुजरात की। और सबसे छोटी किसकी है? तो गोवा की। तो ये 9 राज्य हैं।